Hey everyone, Assalamualaikum, welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सब मेरी YouTube family? और मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे. मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, काफ़ी लोगों की कमेंट्स भी आए. तो मैं आज आप लोगों के लिए एक कोई यूनिक और डिफरेंट रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, बट इतनी क्विक है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे. ओके, तो हमने ले लिया है गाजर, और गाजर को हमने इस तरह से कट कर लिया है. काफ़ी ज़्यादा लोग उसको कद्दूकस करते हैं, बट उसको करने की ज़रूरत नहीं है अब. और मैंने उसमें घी डालकर, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है आप लोगों ने, और सीटी ले ली है. और ये 3 सीटी के बाद मैंने चेक किया तो ये ऑलमोस्ट पूरी गल चुकी थी, और इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, और कद्दूकस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इस तरह से हम इसको घोट देंगे, और अच्छी तरह से इसको मैश करने के बाद हमको जिस तरह से हम कद्दूकस करके उसको कढ़ाई में डालकर पकाते हैं, घंटों पकाते हैं, इतना सब करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. ये मैक्सिमम मैंने ये 30 to 40 मिनट्स में गाजर का हलवा रेडी कर दिया था. तो बस सिंपल से ट्रिक है कि इसको बड़े बड़े पीसेस में आप लोगों ने कुकर में डाल देना है, और घी 3 चम्मच घी डाल देनी है इसमें. ये मैंने 2 किलो गाजर लिए थे, आप अपने अकॉर्डिंग घी डाल सकते हैं, ले सकते हैं कि आप लोगों को कितना क्या पसंद है. और अब इसको हम थोड़ा पानी सूखने के लिए रख देंगे, साथ में हम इसमें दूध मिलाएंगे. आप 2 पैकेट हमने दूध डाला था इसमें, और दूध जो है गाढ़ा होना चाहिए, तो थोड़ा मिल्की सा टेस्ट भी आता है और टेक्सचर भी होता है. और इफ़ यू डोंट हैव, अगर आप लोगों के पास मावा खवा क्या कहते हैं उसको, वो ना हो तो आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. तो वो मैं तो लास्ट में डालूँगी, बट मैं अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इस स्टेज में आप मिल्क पाउडर डाल दें तो आपको बेटर टेक्सचर मिलेगा, और फिर उसको अच्छे से पकने दें. आप चाहे तो बॉईल करके भी दूध डाल सकते हैं. अच्छी तरह से पकने के बाद, उसका पानी सूखने के बाद, हम इसमें शुगर ऐड करेंगे. शुगर भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि किसको ज़्यादा मीठा लगता है, किसी को कम. तो मैंने ये मीडियम ले लिया था, इसके बाद भी मुझे थोड़ा कम लगा था, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा और ऐड किया था. शक्कर डालने के बाद भी आपको थोड़ा सा पानी छूटेगा, और ये मैंने कढ़ाई चेंज कर ली थी, और इस तरह से पानी थोड़ा सा छूटता है इसमें, उसको अच्छे से सुखा लेंगे हम पानी को. इसके बाद हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और मावा वगैरह ऐड करेंगे. और ये हमने खूब सारा, मतलब बहुत सारा हमने ड्राई फ्रूट्स डाला था. हर एक बाइट में बहुत सारे हमारे हमको ड्राई फ्रूट चाहिए. इसको डालने के बाद एक स्टीम लेंगे बस, ज़्यादा हमको इसको पकाना नहीं है. ये ऑलमोस्ट पक चुका है, मावा भी हम ये स्टेज में मावा डालेंगे इसमें. आप अपने जगह पर मावा को क्या कहते हैं, खवा, मावा, दूध पेड़ा, मक्खन पेड़ा, पता नहीं क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, जो नए हैं इस चैनल पर, वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मेरे वीडियोस को खूब सारा प्यार दें. मैं आपके लिए इसी तरह से क्विक वीडियोस लेकर आती रहूँगी, क्विक रेसिपीज़ के साथ, और कुछ क्राफ्टिंग वीडियो के साथ भी. और ये हमने थोड़ी सी इलायची कूट ली थी, इलायची हम लास्ट में मिक्स कर ली है, और इसके बाद हम थोड़ी देर इसको स्टीम करेंगे. मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस चीज़ पर होनी चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट में बताना गाइस, और ये वीडियो भी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना. वैसे ये हलवा वाकई में बहुत टेस्टी बना था. अगर आप चाहो तो इसमें दूध ज़्यादा भी डाल सकते हो, मक्खन मावा भी ज़्यादा डाल सकते हो, ताकि इसमें ज़्यादा टेस्ट आए. और ये कुछ गार्निशिंग के लिए हमने मावा जो है वो साइड में रख लिया था, उसको हम गार्निश कर लेंगे.
और कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और आप ख़ुद भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं।